अच्छा हमको सवाल पूछना है। जब म्यूजिक एक ही आदमी दे सकता है तो फिर आप तीन लोग को म्यूजिक देने का क्या जरूरत पड़ गया? बहुत ज्यादा जरूरी है। एक आदमी मुखड़ा पकड़ता है, हाँ। दूसरा अंतरा पकड़ता है, तीसरा भाग के प्रोड्यूसर को पकड़ता है कहीं भाग ना जाए। मुझे तुम्हारा सवाल पसंद नहीं आया बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा हमें भी आपका शक्ल बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया है। बोला कोई बात नहीं बेटा, तुम इस दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्री है, तुम्हारा अपना ओपिनियन भी बनता है। पर तुम मेरे मुंह की छोड़ गए, अपने पति की तरफ ध्यान दो, बच्चे उस पे जाने वाले, मेरे पे नहीं। फिल्मों में गाना ही नहीं बल्कि डायलॉग भी होता है, वो भी गलत होता है कई बार। हाँ। डायलॉग है ना, तेरी आंखों की नमकीन गुस्ताखियां वो सब है, तो हम डायलॉग सुन के हमारे जो पड़ोसी हैं उनके सामने आंखों से गुस्ताखी कर दिए। संतोष के भैया को पसंद नहीं आया, हमारे मुंह पे बटर जैम मारा, हमारा मुंह नमकीन हो गया। लेकिन जैम तो मीठा होता, आपका मुंह नमकीन कैसे हो गया? जब 2.5 मिनट तक जैम को मुंह में रख कर सब गुल्ला करके फिर फेंकते तो नमकीन हो जाता। बेटे देखो, उनका कसूर कोई नहीं है, तुम्हारा मुंह पीकदान जैसा है। मैं एक बार घूमने गया आगरा, मेरे को किसी ने शाहजहां का पीकदान दिखाया। मैं तुम्हें देख के मुझे याद आ गई इसकी। मेरा खुद दिल कर रहा है मैं भूख कर दूं, पर मैं पान नहीं खा रहा, इंतजाम कर देता। अरोड़ा साहब, आप दूसरों का मुंह देखते रहते, कभी आपने अपना मुंह देखा? ये तुम्हारा मुंह इसके जैसे, इससे थोड़ा अच्छा है, इतना खराब मुंह है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। आपको पता है मेरा मुंह बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी कहती है कि मेरा मुंह फूल जैसा है। फूल जैसा है? आपने वो गाना सुना है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। ये वही फूल है। और तू अपने मुंह पे चड्डी डाल के आया कर। क्या बोलते रहते, आपका मुंह के अलावा कुछ नहीं समझता है क्या? मुंह के अलावा भी बहुत चीज होता है दुनिया में। हाँ, वही अलावा देखने के लिए हमारे भैया आपसे शादी किए थे। लेकिन आप तो छलावा निकले, आप अपना संस्कार कभी दिखाए नहीं हमारे भैया को। हाँ? अच्छा, ये बात मुझे इसकी बड़ी अच्छी लगी, मेन बात गोल कर गई। ये बहुत इतनी खुद गोल नहीं जितनी बात गोल कर देती। अरे बेटे मेरे को एक बात बताओ, जिंदगी में आपका गोल क्या है, मतलब गोल होने के अलावा और क्या क्या करती हैं आप? देखिए, हमारे जिंदगी का गोल है कि हम चौकोर हो जाएं, बस। अब काहे हमारे पीछे पड़े रहते हैं हमेशा? सिद्धू साहब, मेरा दोस्त है एक दिल्ली में, उसके पास 72 मॉडल का लमरेटा है, वो जब चलाता है कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। तुम्हारे पीछे वो भी ना पड़े, मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ूंगा? अच्छा, मेरे को ये कह रही थी, जब शंकर साहब आए मेरे को मिलाना, मुझे बताना है, उनसे पूछना है कि मेरे गले में मिठास है कि नहीं है। मैंने कहा पहले गला तो बता किधर है। करोड़ा साहब, यहाँ पर गानों की बात हो रही है, कुत्तों की बात नहीं हो रही। भाई तुम्हें खुश होना चाहिए, गानों के बीच तुम्हारा भी जिक्र हो रहा है। करोड़ा साहब आपने नहीं मानना, फिर नहीं डिबेट नहीं होने देनी आपने। अत्तू जी, आप बताइए, नेवली जैसी बहन? हाँ, पूछिए। सुअर जैसे भाई साहब, हम गाना है उससे प्रॉब्लम है। उसको गाना नहीं कहते, उसको बाल तोड़ कहते हैं, इससे आपको प्रॉब्लम है। चुप करो वरना भाई बाल तुम्हारे मुंह पे तोड़ देंगे हम। अच्छा, मुझे इतना बुरा नहीं लगा जी, इतना बुरा मुझे 1990 में लगा। पैर तो एक में मैंने कुछ कहा, मैंने तेरी जबान निकाल लेनी है अगर तूने 1990 में कुछ कहा ही नहीं। क्या हुआ 1990 में? क्या हुआ 1990 में? मेलकम मार्शल ने मुझे जीरो पे आउट कर दिया, बाखोश है। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। कार यूनुस था वो आदमी, मैं भूल नहीं सकता। अच्छा, मैं इनसे करता हूँ बहुत ज्यादा प्यार। मैंने कहा यार जीरो पे आउट हो गए, मैंने फिर हाईलाइट्स देखी, मैंने कहा हो सकता है इसमें दो स्कोर बना ले, उसमें भी जीरो पे आउट। अच्छा, फिर मैंने उसकी DVD निकलवाई उस मैच की, मैंने वहां पे भी लगा के देखा, नहीं जीरो। और फिर मैंने जाके YouTube पे देखा, जीरो नहीं मैच। 26 साल से मैच देख रहा हूँ, नहीं बना नहीं रहे स्कोर। हाँ बेटे चलो, लंगूर जैसे मुंह वाले बोलो। हमें आपके हर बात बुरी लगी, हर बात जो बोलते हैं ना आप, हर बात बुरी लगी। फालतू बात किया ना तो वही खटिया मारेंगे मुंह पे, हम सच कह रहे हैं। हमका
हमको इनका बात बुरी लगी, हम कह रहे हैं। अच्छा तो हम आपके मुंह पे मारेंगे खटिया अगर कोई ऐसी फालतू बात किया तो। मैं तुम्हें शर्म नहीं आती बुजुर्ग को ऐसे मारते हो? तुम्हें शर्म नहीं आता है क्या? आप कुछ भी बात बोलते रहते हैं। अरे मेरी बात, शर्म आना चाहिए। देखो मेरे को शर्म कहाँ से आएगी, मेरे को सर्दी होती छींक नहीं आती, शर्म मेरे को कहाँ से आएगी? अभी लाइव चला जाऊंगा। देखो प्लीज प्लीज प्लीज, अभी एम्बुलेंस आएगी, रुकिए। देखो मेरी बात, मिनट बेटे बोलते रहते हैं इतना, तुम इतना नहीं है, गर्दन नहीं है, कहाँ से लाए गर्दन? अगर आप ऐसे झगड़ा करेंगे तो हम क्या करेंगे? अरे आप हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बेटे मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, भगवान ने इतना एरिया दिया है, बच्चों के लिए प्ले स्कूल बनवाओ इधर। बहुत ही बदतमीज आदमी है ये। तो है बदतमीज, बहुत ज्यादा हो रहा है। अरे रुकिए, कहाँ जा रहा है?